मैं सोच रहा था कि इस देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, बहुत यातनाएं सही। हमने पढ़ा किस तरह से शहीदों को अंग्रेज काला पानी के अंदर, जेलों के अंदर यातनाएं दिया करते थे। लेकिन अब लगता है कि शायद आजादी मिलना आसान था, उस आजादी को कायम रखना लगता है ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। भगत सिंह जी की आप विचार पढ़ के देखिए, इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की और उन्होंने इतनी बढ़िया बातें लिखी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी थी कि केवल अंग्रेजों को भगा देने से आजादी नहीं आने वाली, सच्ची आजादी तब आएगी जब किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता होगी, सच्ची आजादी तब आएगी जब गरीबों के हाथ में सत्ता होगी। भगत सिंह जी की विचारों के ऊपर हमें आगे बढ़ना है और उनके जो विचार थे उससे प्रेरणा लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है और उनके विचारों के ऊपर, उनके सपनों के भारत को हमें साकार करना है।